हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और आज हम एक ऐसी बेस्ट लोकेशन पे आए हैं जो है बागे बहू के बिल्कुल फ्रंट साइड से एक रोड जा रहा है जो नीचे हल्की पौड़ी जाता है। और ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं जंगल, ये बागे बहू का जंगल है। यहाँ से पूरा एग्जैक्ट बागे बहू तो दिखेगा नहीं, लेकिन हो सकता है कहीं आपको लोग दिख रहे हों। ये देखिए मेरे पीछे लोग खड़े हैं और ये जंगल झाड़ दिख रहा है क्योंकि इसके पीछे ही सारी पार्क बहू फोर्ट की जो पार्क है वो यही है और ये लास्ट उसकी वो साइट है। और मेरे इस तरफ जो आपको ये दिख रहे हैं मकानात, ये गुजनगर है, ये गुजनगर एरिया सारा है। और बीच में आप हमारी तवी, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल। और ये देखिए हम इस लोकेशन पे हैं इस वक्त। इसे गोरखा नगर से होते हुए ये जाती है, गोरखा नगर से होते हुए हल्की पौड़ी जाती है। ये देखिए बैकग्राउंड में काम लगा हुआ है बहू फोर्ट का। और वो देखिए ये सामने आपको राजे का महल दिख रहा है, मुबारक मंडी वाला। तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। मैं और फारूक भाई आए हैं मेरे साथ, फारूक भाई हैं, ये देखिए फारूक भाई। तो यह है तवी, यह है गुजनगर की तवी, हमारी जम्मू तवी। ये देखिए बच्चे के सामने वो बच्चे नहा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं। ये देखिए ज़बरदस्त लग रहा है। और वो सामने वो वहाँ पे सीएम की वो रेजिडेंस है, सीएम रेजिडेंस है। जब भी जो कोई भी सीएम बनता है वो यहाँ पे रहता है और बाकी मिनिस्ट्रीज भी यहाँ रहती हैं, कुछ कुछ पता नहीं कहाँ रहती है। और वो सामने हमारे राजे का महल है, राजे का महल बहुत अच्छा लग रहा है। और बैकग्राउंड में देखिए ज़बरदस्त है। आज काफ़ी देर के बाद यहाँ पे आए, अच्छा लग रहा है। राजे का महल तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये हमारे महाराजा यहाँ उनका महल है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, तो अभी तक हम जैसा कि मैंने आपको बताया था हल्की पौड़ी वाली तरफ थे, तो अब सिदरा वाली तरफ जा रहे हैं मैं और फारूक भाई। बस ये है कि पहले हम बाइक पे थे और अब फारूक भाई ने अपनी कार निकाली है। फारूक भाई की कार में हूँ इस वक्त मैं, तो सिदरा वाली तरफ जा रहे हैं थोड़ा घूमने शूमने, और उसके बाद फिर अपने अपने काम पे चले जाएंगे। 1 बजे के बाद मैंने भी इंफॉर्मेशन जाना है और फारूक भाई ने भी अपनी ड्यूटी जाना है। तो धूप बढ़ी रही है, लगता है आज शाम तक अच्छी खासी गर्मी हो जाएगी। देखते हैं ज़रा थोड़ा आगे जाके। तो गाइस ये जो आपको सामने लाल टावर्स दिख रहे हैं काफ़ी, ये हम शाम को हाईवे पे बैठते हैं और उधर से इसमें लाल लाइट्स निकलती हैं और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। अभी मुझे दिखा ये काफ़ी सारे टावर्स हैं और मुझे लगता है ये इसके हैं हाई टेंशन फगुई वाले टावर है ना। ये देखिए ये इलेक्ट्रिक टावर्स हैं सारे, हमें कुछ और लगता है, हमें लगा कि हो सकता है ये आर्मी एरिया हो तो उसी का कुछ हो। तो ये हम इस वक्त पंचतीर्थी वाले रास्ते पे चले आए हैं और पंचतीर्थी से डीसी ऑफिस से होते हुए साथ ही साथ गुजनगर से होते हुए निकलेंगे। फिलहाल आगे कहीं ब्रेक मारेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, गपशप मारेंगे मैं और फारूक भाई। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस इस जंगल के पीछे आपको हरी पैलेस दिखेगा। हो सकता है अभी एक दो मोड़ हम यहाँ से काटे टर्न लें और दिखे, नहीं हाँ वो दिख गया है। गाइस ये सामने जो है ये हरी पैलेस है,
गाइस, तो अभी शाम के 7 बजे हुए हैं और मैं इस वक्त अपने छत पे हूँ। अभी अभी काम ख़त्म हुआ है, टाइल्स का काम कंटिन्यू चल रहा था, तो अभी इन्होंने कल जो है फ्लोरिंग करनी है। फ़िलहाल तब तक सामान भी सारा बाहर निकाल दिया है, जो इस वाले रूम में रखा हुआ था वो सारा सामान बाहर निकाल दिया है, क्योंकि कल इन्होंने फ्लोरिंग करनी है और इसकी वजह से ये सामान निकालना पड़ा। अभी थोड़ा सा सामान जो है वो सुबह निकाल देंगे, तो बेड्स वगैरह बाकी चीज़ें जो थी वो सारी बाहर निकाल दी हैं। तो 2 दिन इसको लगेंगे, क्योंकि इसकी वॉल्स को भी करनी है टाइलिंग, और फ्लोर को, किचन और वॉशरूम को हो गई है। तो आज ज़्यादा इसलिए आपसे इंटरेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो काम था, ऊपर से फिर इनके साथ भी रहना था, लेबर के साथ।